तो चलिए इस वक्त भी हम मौजूद है खानियार के अंदर, और आपको बताते चलिए कि आज सुबह यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स के बीच में मुठभेड़ यानी कि एनकाउंटर शुरू हुई थी, और लगातार दिन भर जो है वक्फे से इस ऑपरेशन के अंदर गोलियों की गनगर्ज के साथ साथ हेवी ब्लास्ट भी सुनने को मिले थे। और इस ऑपरेशन में लगातार सिक्योरिटी फोर्सेज की कोशिशें थी कि कम से कम कोलैटरल डैमेज हो, क्योंकि ये एक रेजिडेंशियल एरिया था और इसी रेजिडेंशियल एरिया पे सिक्योरिटी फोर्सेज की कोशिशें ये थी कि जिस तरीके से इस ऑपरेशन को टैक्टफुली जो है अंजाम देने की कोशिश की गई, ताकि ये जो इर्द गिर्द में और भी रेजिडेंशियल मकान थे वो सेफ रहे, यानी कि उन्हें उनमें ज़्यादा डैमेज ना हो। और उसी के चलते आपको बता दें चलिए कि इस ऑपरेशन के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है कि एक अनआइडेंटिफाइड मिलिटेंट जो है वो इस ऑपरेशन के अंदर मारा गया है, और ऑपरेशन जो है उसे कंक्लूड किया गया है और सर्चेस लगातार जारी है। और हालांकि आपको बता दें चलो कि इस ऑपरेशन में अगर देखा जाए फ्रंट लाइन पर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीम श्रीनगर पुलिस से और CRPF की जो टीम है वो ज्वाइंटली इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही थी, और लगातार जो है इस ऑपरेशन के अंदर फोकस सिक्योरिटी फोर्सेस की ये थी कि ये जो पूरा एरिया है वहाँ पर सबसे पहले सर्वेलेंस को इवैक्यूएट किया गया और उसके बाद ही इस ऑपरेशन को शुरू किया गया था। हालांकि शुरुआत में अगर इस ऑपरेशन के हवाले से बात करें तो ये खबर सामने आ रही थी कि शायद एक या दो मिलिटेंट इस ऑपरेशन के अंदर ट्रैप्ड हो सकते हैं, लेकिन अभी तक फिलहाल ऑफिशियली जो है एक मिलिटेंट इस ऑपरेशन के अंदर मारा गया है और ऑपरेशन को कंक्लूड किया गया और सर्चेस लगातार जारी है। और इस ऑपरेशन के हवाले से अगर आपको बता दूँ, अगर इस ऑपरेशन में टाइम लगा तो कारण उसका ये इतना था कि ये एक रेजिडेंशियल एरिया था, जिस रेजिडेंशियल एरिया में ये ऑपरेशन चलाया जा रहा था, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस की अगर बात करें उनकी कोशिश ये थी कि कम से कम कोलैटरल डैमेज इस ऑपरेशन में होना चाहिए, और उसी को मद्देनज़र रखकर इस ऑपरेशन करीबन 11 घंटे जो है ये ऑपरेशन मुसलसल चला। और इस ऑपरेशन को जो है सिक्योरिटी की अगर बात करें CRPF और साथ ही साथ में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप श्रीनगर पुलिस से इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही थी, और कल ही जैसे सिक्योरिटी फोर्सेस को इनपुट्स मिले उसी बेसिस पर जॉइंट टीम जिसमें CRPF और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने यह ऑपरेशन लॉन्च किया, और इसी ऑपरेशन को लॉन्च करने के बाद फिर यह ऑपरेशन शुरू किया गया। और अभी फिलहाल इस ऑपरेशन में एक एज पर पुलिस के मुताबिक एक मिलिटेंट जो है वो मारा गया है। मजीद इस ऑपरेशन के हवाले से क्या कुछ और भी सामने आता है वो भी सबसे पहले हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। डोंट वरी, ये डेफर्ड में आ जाएगा, आप टेंशन मत लो, पाथ टू पाथ होगा। कर से आप फोटो आते हो, चल कर से फुल फोटो। Thank you.